तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? वीडियो पे क्लिक करके आ चुके हो तो वीडियो पे बने रहना। मैं भरोसा दिलाता हूँ जो भी आप देख के इस वीडियो पे आए हो उससे ज़्यादा मिलेगा। 25 क्वेश्चन हैं, 25 के 25 फिजिक्स के हैं, 5 न्यूमेरिकल हैं, 20 थ्योरेटिकल हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं कि धुआं निकाल देंगे आपका। जो भी आपने आज तक पढ़ा है, अगले महीने एग्जाम है, पता है आपको खोपड़ी में एग्जाम है और आपने क्या तैयारी करी है, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जितना भी ओवर कॉन्फिडेंट जो भी लोग हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखेगा। जितने लोग गाली गलौज करते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। एक क्वेश्चन के बाद 2 सेकंड का टाइम दूंगा, इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा के जाऊंगा, टाइम मैटर नहीं करता कितना जाएगा। इसकी PDF भी डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, आज से वहाँ पे मैंने स्टडी मटेरियल देना स्टार्ट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? जवाब दीजिए, सिर्फ 2 सेकंड है। सही जवाब है देखिए, परमाणु घड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्नियर कैलिपर्स, पेंच मापी, स्पेरोमीटर, इन सब से लंबाई मापी जाती है लेकिन परमाणु घड़ी से लंबाई नहीं मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक पेंडुलम ट्रेन की छत से लटका हुआ है। पढ़ना ध्यान से, सुनना ध्यान से, क्या है पेंडुलम? है ट्रेन की छत से लटका हुआ है। जब ट्रेन स्थिर खड़ी है तब पेंडुलम का आवर्तकाल टी होता है तथा ट्रेन के चलने पर पेंडुलम के आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? सही जवाब है घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे घट जाएगा बताता हूं। देखो, पता होगा आपको आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, 1/n। 1/n मतलब आवर्तकाल बराबर 1/ आवृत्ति। यहां से आपको ये मिल जाता है टी प्रोपोर्शनल 1/n। इसका मतलब समझते हो आप? मतलब अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो टी की वैल्यू घटेगी, n की घटेगी तो टी की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब ये टी क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब देखिए, अगर ट्रेन चल रही है तो पेंडुलम दोलन करेगा, दोलन करेगा तो उसकी आवृत्ति बढ़ेगी कि घटेगी? आवृत्ति बढ़ेगी ना। अगर ये आवृत्ति बढ़ेगी, एन बढ़ रहा है, तो टी क्या होगा, टी घटेगा, इसलिए आवर्तकाल घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 23 देखिए, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के संवेग से गति कर रहा है। 0.2 न्यूटन का एक बल इस पर 10 सेकेंड के लिए पिंड की गति की दिशा में कार्य करता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4.5 जूल। कैसे होगा नहीं लगा पाओगे, मैं बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, ये इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले जो चीजें दे रखी होती वो पहले लिख लिया करो। m बराबर दे रखा 4 kg, t बराबर f बराबर p बराबर दे रखा। अब पूछा क्या गया, पूछा गया K2 - K1 मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि पूछी गई है। तो सबसे पहले आप K1 निकाल लीजिए, फिर K2 निकाल लीजिए, दोनों को आपस में घटा दीजिए, निकल के आ जाएगा। तो देखिए, K1 निकालने के लिए क्या चाहिए, K बराबर हाफ mv² होता है, तो K1 बराबर हाफ mv1² ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, K1 बराबर हम हाफ mv v1² लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास m है लेकिन v1 नहीं है, तो p बराबर mv से हम यहाँ पे देखिए, p बराबर mv से हमने क्या निकाल लिया, v1 निकाल लिया, कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद यहाँ पे K1 की जगह पर रख के K1 कितना निकल के आ गया, 8 जूल। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे नाउ F बराबर ma। ma क्यों करेंगे, क्योंकि हमें V2 निकालना है। तो V2 बराबर अगर हम ऐसे करें, K2 बराबर हाफ m2 v2², तो m2 तो है नहीं है, तो कैसे निकालोगे फिर? V2 बराबर एक फॉर्मूला लगाइए, v = u + at होता है। u यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, मतलब V1 ही है। तो V2 बराबर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, v2 = u + at होता है, लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक वेग V1 है, तो v1 + at। अब यहाँ पे एक कैसे आएगा, एफ बराबर नाउ एफ बराबर एम ए लगाइए, तो यहाँ पे ए बराबर निकल के आ जाएगा, 0.1/2 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, V2 बराबर आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब V2 निकल आ गया, सिंपल सी बात है, K1 निकाल लिया हमने, अब K2 निकाल लीजिए, K2 बराबर हाफ m v2² रख के सॉल्व करिए, आ जाएगा 12.5 जूल। अब दोनों में वो निकालना है वृद्धि, तो देखिए, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर K2 - K1, हमेशा बड़ी में छोटी घटाया जाए, K2 में K1 ही घटाया जाता, कभी K1 में K2 मत घटाइएगा। तो 12.5 जूल - 8 जूल = 4.5 जूल इसका सही जवाब हो जाएगा। एक और तरीका देख लीजिए, ये बेसिक है, बेसिक अगर एग्जाम में करने बैठोगे बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए सीधा सीधा सिंपल सिंपल तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होगा कि किया गया कार्य बराबर क्या होता है,
ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा में परिवर्तन मतलब चेंज बराबर किया गया कार्य होता है। तो W अगर हम निकालें, W बराबर एक फार्मूला होता है एफ इन टू एस, है ना। F मेरे पास दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, S निकालना है केवल। S निकालने का फार्मूला होता है S बराबर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें U चाहिए और U है हमारे पास, यहाँ पे V का यूज़ करेंगे। U की जगह पे चाहिए क्या, केवल A चाहिए। A निकालना है तो क्या क्या लगाएंगे, F बराबर एम ए जैसा पिछले में लगाया था, और एफ बराबर एम ए लगा के यहाँ पे ए बराबर 0.1/2 m/s² निकाल लेंगे। इसके बाद एस बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर में रख के सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी 22.5 m आ जाएगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन मतलब किया गया कार बराबर एफ इन टू एस, सॉल्व करेंगे एफ की जगह पे 0.2 और एस की जगह पे 22.5 और रख के सॉल्व करेंगे, निकल के आ जाएगा 4.5 जूल। ये था इजी तरीका जो एग्जाम में हमें यूज़ करना होता है, वो था बेसिक तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वस्तु का वृत्ति पथ के चारों ओर गति करना उदाहरण है। ये उदाहरण आपका समान चाल तथा परिवर्ती वेग, ऑप्शन नंबर 24 का सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25 है, किसी पात्र में पी नॉट दाब पर गैस भरी गई है, यदि अणुओं का द्रव्यमान आधा तथा उनकी गति दोगुनी कर दी जाए तो परिणामी दाब बताना। देखिए किसी भी पात्र में पी नॉट दाब गैस भरी हुई है, अब उसके साथ क्या किया गया, जो उनके सभी अणु हैं जो सभी अणु हैं उनके अणुओं का द्रव्यमान आधा कर दिया गया है, लेकिन उनकी गति दोगुना कर दी गई, तब आपको परिणामी दाब पी बताना है। कैसे सॉल्व होगा, देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 2p0 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, देखिए फॉर्मूला बहुत ईजी है। फॉर्मूला है पी बराबर 1/3 mn/V × Vrms² ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, सबसे पहले पी नॉट कितना है, पी नॉट इतना ही है, सेम है 1/3 mn/V × Vrms² अब दूसरा क्या है, पी निकालना है आपको, परिणामी परिणामी निकालना है, तो पी बराबर 1/3, एम की जगह पे क्या है आधा है तो m/2 लिख दिया। इसके बाद है n/V × Vrms की जगह क्या हो गया 2 rms² 2 rms² करेंगे, इसके बाद यहाँ पे पी बराबर हो जाएगा 1/3 mn/2V हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 Vrms² ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए एक 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 ही तो बचेगा। इसके बाद देखिए नीचे क्या आएगा, नीचे बचेगा सिर्फ इतना पी बराबर 1/3 mn बचेगा, देखिए ये mn/V बचेगा, 2 से 2 गया और Vrms बचा, तो केवल 2 यहाँ पे बचेगा पी बराबर। तो यहाँ पे देखिए 1/3 mn/V × Vrms² की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी नॉट लिख सकते हैं, यही तो था ऊपर, तो यहाँ पे हमने पी नॉट लिख दिया, तो पी बराबर क्या आ गया, पी बराबर 2p0 ठीक है। नेक्स्ट देखिए 26 है, एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 लीटर जल भरा जाता है, जल में इसका भार क्या होगा, एक गुब्बारे में 200 लीटर जल भरा जाता है तो जब इसका जल में भार होगा वो शून्य होगा, आपको क्या लग रहा है ये होगा, ये सारे गलत हैं, इसका शून्य होगा। कैसे होगा देखिए, जब आप 200 लीटर जल भरते हो गुब्बारे में, उसको जल में ही रखना है, तो एक आपका फोर्स लगेगा, आपका गुब्बारे में जो 200 लीटर का वेट है उसके कारण फोर्स लगेगा, और दूसरा आपका जो पानी में डालोगे जल में तो उस उछाल के कारण एक बल लगेगा, जिसके कारण ये बल और ये बल, इसके कारण दो जो इसका बल लगेगा, जो आपके गुब्बारे में 200 लीटर जो जल है उसके वेट के कारण जो बल लगेगा, वो इसके उछाल के कारण जो बल आएगा उससे ये बैलेंस्ड हो जाएगा और इसका परिणामी बल शून्य निकल के आएगा। ठीक है, करके देख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी आयताकार ढांचे को चित्रानुसार दो सहारों पर बराबर लंबाई की दो स्प्रिंगों द्वारा सममित रूप से लटकाया जाता है, इसमें निम्न तीन तरीकों से किया जा सकता है। आयताकार करना है, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान अनुभव करता है, परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण यह है कि पसीना जो होता है आपका वो आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 30 देखिए, संधि डायोड डायोड में विकसित विभव प्राचीर किसके प्रवाह का विरोध करता है, तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल बहुसंख्यक वाहकों का। नेक्स्ट है, पीएन संधि में बिना मुक्त इलेक्ट्रॉनों एवं होलों वाले क्षेत्र हैं, वो हैं आपके अवक्षय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। सुरक्षा फ्यूज बनाने हेतु तारों के निर्माण में प्रयुक्त धातु होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पढ़ चुके होंगे।
उच्च प्रतिरोध वाला होता तथा निम्न गलनांक वाला, तो उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न न्यून गलनांक, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक आवेशित कण वेग वी से चुंबकीय क्षेत्र बी में गतिमान है, तो कण पर लगने वाला अधिकतम बल होगा, पता होगा आपको क्वेश्चन नंबर 33, जब आपका वी तथा बी लंबवत होंगे, वी तथा बी लंबवत होंगे तभी जो आपका बल होगा वो अधिकतम होगा। इसके बाद 34 है, वस्तु के सापेक्ष खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होगा, खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो होगा आपका आभासी एवं उल्टा। नेक्स्ट देखिए 35 है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस को टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, बताइए, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। सही जवाब है आपका प्रकाश तरंगे, ऑप्शन नंबर ए जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जब खाद्य तेल का को फ्राइंग पैन में गर्म किया जाता है तो गर्म होने पर तेल पैन के चारों ओर आसानी से गति करता है, पता है, ठीक है, क्यों करता है? इसका मुख्य कारण यह है कि ताप में वृद्धि, इसका मुख्य कारण यह है कि यह ताप में वृद्धि करता है, तो किसमें कमी होती है? इसका जो सही जवाब है वो है आपका श्यानता, ठीक है, 36 का सी सही है, श्यानता की कमी का कारण ऐसा होता है। 37 है, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते तथा जाड़ों में गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी जो होती है वो ऊष्मा की बुरी कुचालक होती है, बुरी कुचालक होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर, बायल का निम्न किस प्रक्रम का पा बालन का नियम निम्न बायल का नियम निम्न बायल का नियम किस प्रक्रम का पालन करता है, 38 है, और इसका जो सही जवाब है वो है समतापी प्रक्रम, बायल का नियम समतापी प्रक्रम, पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए 39 है, जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपवर्तित होती है, जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपरिवर्तित होती है, अपवर्तित लिखा है, अपना की अपवर्तित, अपरिवर्तित, अपवर्तित होती है, तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित हो रहती है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपरिवर्तित अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और 39 का जो सही जवाब है वो है आपका आवृत्ति, जो आवृत्ति होती है वो आपकी अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट देखिए वस्तु में, वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है, क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसका जो सही जवाब है कि वस्तु तो आपका जो रगड़ कर है वो आपका आवेश की अधिकता या फिर कमी को प्राप्त कर सकती है। 41 है, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धात्विक गोले को 5×10⁻⁶ माइनस 6 कूलाम आवेश दिया जाता है, ठीक है, यदि आवेशित चालक की ऊर्जा बताना है तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना, लगाना है आपको कि यू बराबर 1/2 1/4 ε0 4π ε0 इंटू Q/r², ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉरी यहाँ पे आपका Q/r² नहीं होगा, Q²/r होगा, ठीक है, Q²/r, ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपकी आवेशी चालक की ऊर्जा निकल आएगी, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.6 जूल, सॉल्व करिएगा, बाकी आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। 42 नंबर है, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के आकार, चालक के ताप पर, चालक की ज्यामिति पर, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका निर्भर करता है चालक इनमें से सभी, चालक किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के आकार, ताप तथा ज्यामिति पर। 43 है, यहाँ दिए गए चित्र में दर्शाए परिपथ में प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है, देखिए ये फिगर है, आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा कम से कम 3 से 4 मिनट खा जाऊंगा, तो इसको आप सॉल्व करिए, और अगर नहीं आता है तो मुझसे कहीं भी आप कमेंट कर देना, फिर मैं आपको टेलीग्राम पे तो दे ही दूंगा। 44 है, देखिए पृथ्वी का क्षेत्र अपनी ध्रुवीय आकृति से काफ़ी वृहद दूरी लगभग 3000 किलोमीटर से अधिक अलग होता है, इस विकृत के लिए उत्तरदायी कारक, इसके लिए देखिए याद कर लीजिए 44 नंबर है, उसका जो सही जवाब है वो है पृथ्वी के आयन मंडल में आयनों की गति, ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। न्यूमेरिकल एक छोड़ दिया है, आप कर लेना, बाकी सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए हैं, दो दो तरीके से भी कोई कोई न्यूमेरिकल बताया है, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, पार्ट 2 जल्दी आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।